हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्लॉगर चैनल, ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ा है टीवीएस अपाची आरटीआर 162V। तो आज मैं आपको इसका फुल फाइनेंस डिटेल बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप जब बाइक फाइनेंस कराने के लिए जाते हैं, और क्या मिनिमम आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट रेट आपसे जो है वो कंपनी चार्ज करेगी। तो आज मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि कितना आपको टाइम लगेगा। तो वीडियो को पूरा देख लें अगर आप 2021 में बाइक परचेस करने का सोच रहे थे, तो इस वीडियो में आपकी सारी डाउट्स क्लियर होने वाली है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो जरूर से कर लें, और नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी जो आपकी इंटरेस्टिंग वीडियो है और बाइक अपडेट्स वगैरह है वो मिस ना हो जाए। तो अभी हमारे साथ भैया है, ये आपको फुल डिटेल बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी हम आए हुए हैं सीएल टीवीएस गिरिडीह पर, तो मैं आपको शोरूम का भी कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे दे दूंगा, अगर आपको लेना है तो आप डायरेक्ट आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले भैया से नाम पूछते हैं, उनका ये हम आज डिटेल बताएंगे सारा। तो अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद सिराज। सिराज, तो ये इनसे हम ये पूछेंगे सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है जब आप बाइक फाइनेंस कराने के लिए जाते हैं, और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अभी आप ये बताइए कि मिनिमम एज क्या रहेगी। मिनिमम एज कम से कम 21। और अगर मान लीजिए जैसे कि जितना भी अगर कम वाला जो एज वाला है 18 साल से लेकर 21 साल तक का, जितना अपना भाई लोग जो अपाची लेना चाह रहा है तो वो क्या करेगा? उसका भी हो जाएगा सर, मगर उसको एप्लीकेंट बनाना होगा, मदर का या फादर का या ब्रदर का जो उनसे बड़े हैं, मतलब कोई एप्लीकेंट बनाने से हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि टाइम कितना लगता है लोन करवाने, जैसे अगर अभी हम आए शोरूम पर बाइक लेने के लिए तो हमको कितना टाइम देना होगा? 10 मिनट सर। 10 मिनट? हाँ, बस 10 मिनट में बाइक फाइनेंस हो जाएगा हमारा। एकदम हो जाएगा। तो अब ये रहा, मतलब 10 मिनट में फ्रेंड्स आपको बाइक मिल जाएगी, तो किसी भी तरह का कोई हैसल का बात नहीं है। तो आप जो आज हमको फाइनेंस डिटेल बताने वाली है, कौन सी कंपनी का आप बता रहे हैं? ये टीवीएस अपाची 2V सिंगल डिस्क। कंपनी कौन सा है फाइनेंस का जो आप कंपनी है? टीवीएस क्रेडिट। टीवीएस क्रेडिट, मतलब टीवीएस का अपना कंपनी है, अपना कंपनी फाइनेंस के लिए। तो अब ये हो गया फ्रेंड्स फाइनेंस डिटेल का। अब हम सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अगर हमारा? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो। फोटो बस, चेक वगैरह? चेक वगैरह कुछ भी नहीं। जैसे काफी शोरूम पर जैसे बोला जाता है कि नहीं चेक चाहिए, कैंसिल चेक चाहिए, या वैसा कुछ? तो भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं। मात्र आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, मतलब पैन कार्ड वगैरह का भी जरूरत नहीं। अगर आप बनाए हैं तो दे सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने सुन लिया, अब बात करते हैं कि डाउन पेमेंट हमें कितना करना पड़ेगा। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हम आपको इसका फाइनेंस डिटेल बताने वाले हैं, तो इसका अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ऑन रोड प्राइस बताइए कि क्या है? 1,21,000। 1,21,000। तो 1,21,000 में ये बाइक आपको ऑन रोड देखने को मिल जाता है। ये गिरिडीह झारखंड का प्राइस है, हो सकता है आपके एरिया में जो थोड़ा सा प्राइसिंग है उसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो आरटीओ और इंश्योरेंस का चार्जेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे आपको ये प्राइस देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमको डाउन पेमेंट कितना परसेंट करना पड़ेगा? 31,000 मिनिमम। 31,000। और जैसे काफ़ी जगह जैसे बोला जाता है कि नहीं 90% मतलब डाउन पेमेंट, मतलब 90% फाइनेंस हो जाएगा, 95% फाइनेंस हो जाएगा, तो वैसा कुछ हो सकता है क्या? हो जाएगा सर, हो जाएगा वो भी। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं सर, उसी में आपका मतलब हो जाता है। हो जाता है। हाँ, मतलब जाएगा। और ऐसे आप लोग मतलब मिनिमम 30% डाउन पेमेंट लेते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। तो 30% अगर हम इसका जोड़ते हैं तो कितना आता है बाइक का? 30% सर, अगर 1,21,000 है ना, तो मोटा मोटी भाई 30-32,000। 30-32,000 के लगभग में मतलब फाइनेंस हो जाएगा मेरा ये। तो मतलब 30% अगर हम डाउन पेमेंट करते हैं तो ये बाइक हमको मिल जाएगा। अब जैसे आप बताइए कि ईएमआई कितना बनता है उसमें? देखिए आपका आ जाएगा, अगर आप 30% डाउन पेमेंट करते हैं तो वही लगभग 3,775 रुपये आएगा। 3,775। कितना महीना के लिए? 36 महीने के लिए। 36। और इसमें आपने इंटरेस्ट रेट कितना जोड़ा है? इंटरेस्ट रेट आपका 12%। 12%। तो और जैसे कभी ऑफर वगैरह भी चल रहा होता है जिसमें कि 7% 8% इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है? वो समय आपका क्या बोलते हैं, हम लोग के पास कंपनी का ऑफर आता है, मगर अभी ऐसा अभी कोई ऑफर नहीं है। अभी मतलब जो है वो हमें इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्रा किसी भी तरह का कोई पेपर का और कोई रिक्वायरमेंट? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने सुना, इसमें आपको भैया ने सब कुछ यहाँ पे बता दिया, जितना भी मतलब आपका जो डाउन पेमेंट वगैरह है, जितना भी इसका प्रोसेस था वो सब हमने आपको बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है, क्या आपसे इंटरेस्ट रेट लगेगा, और क्या आपको डाउन पेमेंट आपको मतलब इसमें पे करना पड़ेगा। तो होप करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स होंगी वो सब क्लियर हो गई हो। अगर हम भैया से एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जैसे अगर कोई मान लीजिए ज़्यादा टाइम के लिए फाइनेंस कराना चाहता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो जैसे कि मतलब कम मतलब ईएमआई देना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन है, 4 साल का होगा, लॉ ईएमआई स्कीम भी है। अच्छा है, तो उसमें 4 साल का भी फाइनेंस हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप 4 साल के लिए भी फाइनेंस कराना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको शोरूम पर आकर ही कॉन्टैक्ट करना होगा। उतना वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, जितना बेसिक था मैंने आपको सब बता दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी आपकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स वगैरह मिस ना हो जाए। और आपको नेक्स्ट कौन सी बाइक का फाइनेंस स्कीम जानना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।